जान बचाने के लिए भागता सांभर और उसके पीछे पड़ी बाघिन। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर है महाराष्ट्र में नागपुर के पास दादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का। लेकिन नागपुर के पास दादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में सांभर का शिकार करने की ठान चुकी बाघिन को शायद अंदाजा नहीं था कि ये शिकार आसान नहीं। जान बचाने के लिए तेलिया लेक में घुसे सांभर ने दो खौफनाक मगरमच्छों को भी अपने हौसले से हरा दिया। तेरह नवंबर को सुबह करीब 7:45 बजे से शुरू हुई जिंदगी और मौत की ये जंग रात तक चलती रही। आखिरकार थकान और बेबसी से हारकर सांभर पानी से बाहर निकला, लेकिन इस बार वो खुद को बाघिन के पंजों से नहीं बचा पाया। मनीष अवस्थी, नागपुर आज तक। आस्था के नाम पर बेजुबानों पर जुल्म की ये एक और भयानक तस्वीर है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक अजीबोगरीब परंपरा के चलते होती है भैंसों की लड़ाई। सोलापुर के निवारे इलाके में स्थानीय ग्राम देवी माँ येलम्मा की पूजा के दौरान निकलती है यात्रा। इसी दौरान होती है ये मशहूर भैंसों की लड़ाई, जिसमें आसपास के इलाकों के भारी भरकम भैंसे हिस्सा लेते हैं। पहले होती है देवी की पूजा। गाजे बाजे के साथ देवी येलम्मा की आराधना के बाद शुरू हो जाती है ये लड़ाई। भैंसों की टांग में रस्सी बांधकर लोग लेते हैं इस तमाशे का मजा। और ये सब कुछ होता है पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे। प्रवीण सफकाल, सोलापुर आज तक। नदी के बीच फंसा ये भालू अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन वो नदी से बाहर निकल भी तो नहीं सकता, क्योंकि बाहर भी तो उसे मौत ही मिलेगी। हजारों लोग उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू के पास पुंछ के कलाई गांव में भालू जंगल से भटककर बस्ती की तरफ आ गया। गांव वालों की नजर जब उस पर पड़ी तो वो लोग भालू को खदेड़ते हुए नदी की तरफ ले आए। लोगों के डर से घायल भालू नदी में जा घुसा। नदी की तेज लहरों में वो डूबते डूबते बचा। करीब 6 घंटे बाद भालू को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने नदी से बाहर निकाला। इसको हम आगे जंगली तरफ ले जाएंगे, लेकिन पब्लिक इसको एक रास्ता नहीं दे रही है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में भीड़ के हमले में भालुओं की जान जा चुकी है। हरभजन सिंह, पुंछ आज तक।